इंडियन टीम जो है इंग्लैंड दौरे पर होने, बहुत जल्दी इंडियन टीम का इंग्लैंड का दौरा होने वाला है, और उस टीम में जो है एक इंदौर के हम युवा पेस बॉलर जो है ओवेस का उसमें जो है सिलेक्शन हुआ है, और इस समय वो अभी आईपीएल खेलकर इंदौर लौटे हैं, और इंदौर में हम उनके घर ही हैं, श्रीनगर कॉलोनी में उनका घर है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी मुबारकबाद ओवेस, क्या कहेंगे इस सिलेक्शन पर? हाँ, थैंक यू आपका बहुत बहुत, और बस काफ़ी खुश हूँ इस सिलेक्शन को लेके, क्योंकि वही था कि मैंने आईपीएल में अच्छा किया तो मुझे उसका फल मिला है, वो बस यही है कि अभी अब कोशिश करूँगा कि इंग्लैंड जा रहा हूँ तो वहाँ अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। जो मैंने चीज़ें आईपीएल में की है, जिस वजह से मेरा आईपीएल का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, वही चीज़ें मैं कंटिन्यू रखूँगा, और यही है कि इंग्लैंड में अच्छा करने को देखूँगा। आईपीएल कोरोना के दौरान आईपीएल हुआ, हालांकि फिर उसके बाद स्थगित भी हो गया, लेकिन उसने आपका करियर में कहें कि जिस वजह से आपने क्रिकेट खेला था वो सपना आज पूरा हुआ? नहीं, वो ये देखिए, एज ए क्रिकेटर अगर आप क्रिकेट खेलते तो हर मैच में आप अच्छा करने को देखते हैं, तो मैं भी लास्ट 3-4 साल से यही कोशिश कर रहा था आईपीएल में कि मैं मुझे मैचेस खेलने को मिले तो मैं अच्छा करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लास्ट 2 साल से मैचेस नहीं मिले थे, और इस साल मैं फर्स्ट मैच से खेला और अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए सारे मैच खेला, 8 मैच खेला, और उन्हीं सभी 8 मैचों में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और हमारी टीम भी अभी टॉप पे 6 मैच जीत चुके हैं हम। तो वो ये कि बस कोशिश करूँगा कि यही जो मेरा बॉलिंग परफॉर्मेंस है उसी को मैं इंग्लैंड दौरे पे कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। आईपीएल में तो आपने धोनी और विराट कोहली जैसे विकेट लिए, क्या कहेंगे उन विकेट्स को लेकर? सबका सपना होता है एक अच्छे बैट्समैन का। नहीं, वो ये एक बडिंग क्रिकेटर और एक जैसे यंग क्रिकेटर है, अगर उनको बॉल डालने का भी मौका मिलता है उनको तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं वो, या भाग्यशाली समझते हैं, और मैंने उनको मैच में आउट किया, आईपीएल के मैच में आउट किया, तो काफ़ी एक अच्छा फील था मेरे लिए, क्योंकि वो दोनों क्रिकेट के लेजेंड है, और उन दोनों को मैंने आउट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, और वो अभी भी मैं जब भी वो मोमेंट को याद करता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। क्या कहेंगे अवेश, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, भारतीय टीम के जो सीनियर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट में आए होंगे, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता था आपको? नहीं, वो ये कि देखिए हर दिन नया रहता है क्रिकेट में, कभी आपका अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता है, तो वो ये कि आप मेंटली अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, ज़्यादातर बात वो होती है, क्योंकि टेक्निकली तो सभी अच्छे फॉर्म में रहते हैं या सभी चीज़ें अच्छी करने को देखते हैं, लेकिन आप मेंटली अपने आप को कैसे गेम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या अपने आप को टफ सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं, प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं उनसे सीखता हूँ। लास्ट आईपीएल जो है अच्छा नहीं था, ये आईपीएल आपके लिए जो है गुड न्यूज़ नहीं था? हाँ, वही था कि मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही मैच खेले और देखा जाए तो अच्छा ही था, क्योंकि हमारी टीम फाइनल में पहुंची थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यही था कि मुझे मैचेस कम खेलने को मिले, क्योंकि हमारी टीम में रबाड़ा थे, नौरकिया थे, और मोहित शर्मा थे, ईशान शर्मा थे, तो मुझे मैचेस कम खेलने को मिले, लेकिन इस साल वही था कि मुझे एक एडवांटेज था कि रबाड़ा और नौरकिया फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, और ईशान शर्मा थोड़े से इंजर्ड थे, उमेश भाई भी थोड़े से इंजर्ड थे, तो मुझे उस चीज़ का फ़ायदा मिला, और बस वही मैं उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि मुझे फर्स्ट मैच खेलना है और मुझे उसमें अच्छा करना है और अपनी प्लेइंग 11 में जगह पक्की करनी। बिल्कुल, जिस तरह से हम ये कहें कि इंदौर में आपको आगे लाने में जो है हमें खुरासिया जी का बड़ा, मैं एक बार उनका इंटरव्यू कर रहा था जब आपका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा था कि पेस मतलब स्पीड है, अब सिर्फ उसको जो सही निशाने पर लगवाने की बस वो है, तो क्या कहेंगे इस पूरे उस अकेडमी का, उनका कितना किसे जी मतलब पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मुझे पूरा क्रिकेट ही उन्होंने सिखाया सब कुछ, चीज़ें जो तकनीकी चीज़ें रहती हैं जैसे बॉलिंग रनअप हो गया, आपका एक्शन हो गया, सब चीज़ों में सुधार वो ही लेके आए, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर का क्रिकेट कैसा खेला जाता है, क्या मेंटेलिटी होती है आपकी, और क्या क्या चीज़ें आप सीखते हो, मैच बाय मैच आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, तो वो ये कि उन्होंने मुझे शुरू से जो बेसिक जो क्रिकेट के रहते हैं वो सिखाया, वो क्रिकेट में बोलते हैं कि अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो आप ये कि अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आप अच्छे लेवल का क्रिकेट खेल सकते हैं। फादर मदर की डांट पड़ती थी एक समय, आज प्यार मिलता है बहुत ज़्यादा, बेतब भी मिलता होगा, लेकिन क्रिकेट खेलने को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो ये कि पापा मम्मी ने कभी रोका नहीं क्रिकेट खेलने के लिए, जैसे जब मेरा अमेसर की एकेडमी में सिलेक्शन हुआ था तो मुझे इतना जुनून था खेलने का कि उसके बाद भी मैं टेनिस बॉल का नाइट टूर्नामेंट खेलने गया था, ट्रायल्स दे के आया 5-6 बजे, और फिर उसके बाद डायरेक्ट चले गया, और रात को 2-3 बजे आया था, बस मैंने घर पर ये बताया था कि मेरा अकेडमी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं चले गया था,
तो यही है। फिर उसके उसके बाद पापा मम्मी ने, सभी घर वालों ने, जैसे हमारी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो सभी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे सभी ने फिर मेरे को यही था कि मेरे को सब लोग सपोर्ट करते थे। एकेडमी में सिलेक्शन होने के बाद पापा मम्मी ने वो सपोर्ट किया, फिर मैंने क्रिकेट पे अपने पूरा फोकस किया कि अब यही करना है, यही मेरा प्रोफेशन है, तो इसी में मुझे करियर बनाना है। तो फिर वही था कि उसके बाद मैं 19 डे खेला, दो वर्ल्ड कप खेला, और फिर मैच बाय मैच, और उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेला। तो काफ़ी अपने आप को बस यही था कि कोचेस से बात की मैंने, सभी जो जो मेरे कोचेस थे उनसे कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा से मैं रेगुलर टच में रहता हूँ, और यही है कि वो भी मैचेस देखते हैं तो वो भी बताते हैं कि क्या इम्प्रूव करना है, क्या नहीं करना है। तो वो ये कि अब ऐसा है कि बस यही है कि अब क्रिकेट ही खेलना है, और टीम इंडिया में यही है कि जितना लंबा हो सके उतना लंबा खेलने की कोशिश। क्या कहेंगे, अब टारगेट क्या है अगला आपका? अगला टारगेट तो वो ये देखिए, टेस्ट मैच खेलना, और यही है कि अगर लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलने को मिलेगा तो वो ये कि एक मतलब ड्रीम रहेगा। जैसे डेब्यू कैप मिलना, वैसे ही लॉर्ड्स में खेलना भी एक ड्रीम रहता है। तो फर्स्ट तो यही है कि मुझे अगर टेस्ट डेब्यू कैप मिलेगा तो काफ़ी अच्छा फील होगा मुझे, और फिर उसके बाद वही है कि लॉर्ड्स में खेलूँ और हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करने को देखूँ, जिससे टीम जीते, और जिससे सभी लोगों को इंदौर में, इंडिया में सभी लोगों को मुझ पर प्राउड फील हो। बिल्कुल, अभी हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि इंदौर का नाम भी रोशन हो रहा है, टीम इंडिया में आप सिलेक्ट हो गए, और इंदौर क्रिकेट के लिए जाना भी जाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इंदौर और पूरे आपके फैंस के लिए? अभी तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको अर्जेंट काम हो, जब भी बाहर निकलिए, और बस यही कहना चाहूँगा कि सेफ रहिए, मास्क लगाइए, और अपने कंटिन्यूस हाथ धोते रहिए। ये थे हमारे साथ ओवेस, जो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके हैं। करियर की शुरुआत जो है उन्होंने टेनिस बॉल के टूर्नामेंट से की थी, और अब वो इंडियन टीम की तरफ से खेलेंगे। वो अपना इस क्रेडिट, इस पूरे सफ़र का क्रेडिट जो है वो अपने कोच, जिन्होंने उन्हें सिखाया, अमय कुरासिया, फैमिली मेंबर्स, फादर मदर को देते हैं, और वो यही कह रहे हैं कि अब वो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। इंदौर से समीर खान।